We continue to believe that such a peace requires bringing together all stakeholders and a sincere and practical engagement between the two parties to the conflict. Accordingly, we will continue to engage with all stakeholders as well as the two parties to the conflict to contribute to all earnest efforts to achieve lasting peace in Ukraine. या सच में पीस चाहते भी हैं या शांति का ढोंग कर रहे हैं और उसमें इंडिया का एक रोल, इंडिया चुपचाप बाहर आ गया मना करके, भाई हम एग्री नहीं करते। जो बगावत वाली बात हुई है ना, दूसरी बात वो बड़ी अजीब हुई है, वो ये हुई है कि G7 ममालिक का जो खत्म हुआ इजलास और उसके बाद सारे लोग गए हैं स्विट्जरलैंड, यूक्रेन की समिट भी खत्म हो गई और दूसरी तरफ कह रहे हैं आओ पीस की बात करें लेकिन पुतिन को नहीं बुलाएंगे। सर ये पीस कहां से हो गया? ये तो पीस पीस हो गया ना, टुकड़े टुकड़े, तो पीस है ही नहीं। अब ये टर्म्स कंडीशंस क्या हैं, चाहते क्या हैं ये लोग? यूक्रेन अमन मुआहदे के हवाले से आखिर में मुश्तरका अलामिया पे फटा पड़ गया है। हमारे इलाके जो रशिया के पास हैं और रशिया के प्लान से जो मुतसादिम थे उस पर सऊदी अरेबिया ने साइन नहीं किए, उस पर इंडिया ने साइन नहीं किए, उस पर यूएई ने साइन नहीं किया, मुश्तरका अलामिया साइन ही नहीं हो सका, थाईलैंड ने नहीं किया, कई मुल्कों ने उस पर साइन नहीं किया, हमें एतराज़ है तो मुश्तरका अलामिया जारी नहीं हुआ। ये चीज़ें जो हैं वो हमें इन चीज़ों से पता चलता है दैट द थिंग्स आर रियली डिफरेंट, थिंग्स आर रियली डिफरेंट। अब जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वो कुछ और हैं। और तो जब कॉम्युनिकी की बात आई, जब डिक्लेरेशन की बात आई तो भारत ने ये का नजरिया ये था कि कोई डिक्लेरेशन नहीं हो सकता जब तक दोनों पार्टियां उसमें शामिल ना हो। आप अगर यूक्रेन को जहाज दे देंगे, मिलिट्री इक्विपमेंट दे देंगे, पैसा दे देंगे, गोला बारूद दे देंगे, क्या ये लड़ाई रुकेगी या बढ़ेगी? ये किसी भी इंटेलिजेंट आदमी को समझ आता है। सो मुझे नहीं लगता कि इंडिया का स्टैंड। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। रूस यूक्रेन जंग में भारत ने ऐसा दांव चला है कि चीन और पाकिस्तान ताकते रह गए। भारत और रूस की दोस्ती यूं ही पक्की नहीं है। यूक्रेन पीस समिट में भारत ने ऐसी चाल चली है कि पुतिन भी आज खुश हो गए होंगे। भारत किसी भी जंग में शांति के पक्ष में रहता है। रूस यूक्रेन जंग में भी भारत का यही स्टैंड रहा है, मगर पूरी दुनिया तब चौंक गई जब भारत के स्विट्जरलैंड में यूक्रेन शांति दस्तावेज पर साइन करने से मना कर दिया। भारत ने यह दांव तब चला जब दुनिया के 80 देश से अधिक देशों ने शांति दस्तावेज पर साइन किया था, पर भारत अपने दोस्त रूस के साथ किसी भी तरह की गद्दारी नहीं करना चाहता। भारत इस शांति दस्तावेज के खिलाफ नहीं है, मगर उसके साइन ना करने की एकमात्र वजह रूस ही है। भारत चाहता है कि किसी भी शांतिपूर्ण समाधान के लिए दोनों पक्षों यानी रूस और यूक्रेन का एक मंच पर होना जरूरी है, साथ ही दोनों की राय भी जरूरी है। यानी भारत ने खुलेआम इन 80 देशों को बता दिया कि हम आपकी बात से सहमत नहीं है और इसीलिए जो उन्होंने डिक्लेरेशन जारी किया है रूस यूक्रेन युद्ध लेकर, हम इसमें शामिल नहीं होंगे, हम इससे अपना नाम वापस लेते हैं। ये स्टैंड भारत की तरफ से वेस्टर्न देशों को एक करारा झटका है। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। एक पीस समिट भी की जा रही है जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस तरह की जो समिट्स हैं वो क्या वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है या कोई रोल प्ले कर सकेंगी? समिट में पार्ट लेंगे या नहीं लेंगे, इस समय ये चल रहा है, नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर का कहना है अपनी कंट्री के हिसाब से, हमारी कंट्री के हिसाब से, कि अगर आपने कोई भी पक्ष डिस्कस करना है तो दोनों के दोनों पक्ष सामने होने चाहिए। आप यूक्रेन को बिल्कुल डिस्कस करें बट साथ साथ रशिया को भी डिस्कस करें, तब जाकर कंफ्लिक्ट खत्म होगा। आप 50 बिलियन क्या मैं कह रहा हूँ 100 बिलियन भी दे दीजिए, अगर रशिया रुकेगा ही नहीं तो वो कॉन्फ्लिक्ट रुकेगा कैसे? आप अगर यूक्रेन को जहाज दे देंगे, मिलिट्री इक्विपमेंट दे देंगे, ऐसा दे देंगे, गोला बारूद दे देंगे, क्या ये लड़ाई रुकेगी या बढ़ेगी? ये किसी भी इंटेलिजेंट आदमी को समझ आता है। सो मुझे नहीं लगता कि इंडिया का स्टैंड कि अगर आप सिर्फ यूक्रेन डिस्कस कर रहे पक्ष और अगर आप रशियन पक्ष को डिस्कस कर ही नहीं रहे तो हम वहां आके करेंगे। यस, इसका एक इम्प्लीकेशन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में लिया जा सकता है कि शायद इंडिया रशिया की तरफ झुकाव दिखा रहा है, बट हमको झुकाव हमारा है, हमारे वी हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट देयर। हमारे को वो ऑयल दे रहा है, इस समय हमारी 70% पुरानी जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। वी नो अबाउट दिस, हम उसके साथ काफी जगह पर ब्रह्मोस जैसी मिसाइल हम बना रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है। बट एट द सेम टाइम हमारे भी ये करेज है बोलने का एज इंडिया
कि अगर किसी भी तरह का पीस इनिशिएटिव डिस्कस किया जाए, चाहे वो गाजा का हो, चाहे वो इसराइल का हो, और सिमिलरली चाहे वो यूक्रेन का हो या रशिया का हो, दोनों पार्ट्स को डिस्कस करना चाहिए। सर, पीस की बात होने लगी शांति की, लेकिन पीस एक ऐसा एफर्ट है जो होल हार्टेड होना चाहिए, हाफ हार्टेड नहीं, और पीस दोनों तरफ से हो तो ज्यादा बेहतर है। यहां प्रॉब्लम ये आ रही है, ज़ेलेंस्की अड़ा हुआ है कि पीस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए लेकिन उसमें पुतिन को नहीं आने दूंगा, पहली बात। दूसरा, पीस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए लेकिन उसमें वही होगा जो मैं चाहता हूं। तीसरा, पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर सब ये गारंटी दो कि रशिया को सैंक्शंस लगाओगे और मुझे हथियार दोगे। अब वेस्ट भी इसी झांसे में फंसा हुआ है या इसी बात में फंसा हुआ है कि वेस्ट ने एक तरफ तो फ्रांस कहता है कि मेरे 2000 सोल्जर्स यूक्रेन में जाएंगे, दूसरी तरफ जर्मनी अपने लोगों को कहता है कि रशिया से वॉर के लिए प्रिपेयर हो जाओ, तीसरी तरफ G7 मीटिंग के अंदर रशिया के जो एसेट्स का ब्याज है वो उठाकर यूक्रेन की मदद करने के लिए दे दिया, और $50 बिलियन, सर 4 लाख करोड़ रुपए, आई गॉट शॉक्ड, 4 लाख करोड़ रुपए यूक्रेन को दे दिए कि आप रशिया से लड़िए। या सच में पीस चाहते भी हैं या शांति का ढोंग कर रहे हैं, और उसमें इंडिया का एक रोल, इंडिया चुपचाप बाहर आ गया मना करके, भाई हम एग्री नहीं करते, इसमें हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहेंगे। चाहिए है कि ये जो स्विट्जरलैंड पे पीस समिट हुई है इसके अंदर 92 कंट्रीज के करीब आए हैं, करीब करीब आप 100 कंट्रीज बोल रहे, और मगर इसमें रूस को नहीं बुलाया गया और चीन मना कर गया, कुछ एक और देश भी नहीं आए मगर मेन है चीन मना कर गया। इंडिया ने अपना हेड ऑफ स्टेट नहीं भेजा मगर हमने एक हाई लेवल डिप्लोमेट्स भेजे हैं जो हमारा एक प्रकार सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर है जो लुकिंग आफ्टर द वेस्ट, जो पवन है उसको भेजा गया है। तो ये सच्चाई है कि अब ये जो कम्युनिक्यू साइन हो रहा है, ये अब जो रशिया यूक्रेन वॉर है ये सेंट्रल स्टेज पे तो आ गया है क्योंकि वहाँ पर बातचीत हुई है, 90 से ज़्यादा कंट्रीज हैं और ये ज़्यादातर पक्ष की तरफ, यूक्रेन की तरफ का पक्ष देखा गया है क्योंकि दूसरी तरफ तो रिप्रेजेंटेशन थी नहीं, रशिया की इम्प्रेजेंटेशन नहीं थी, चाइना की थी, तो रशिया का जो पक्ष था उसके बारे में तो बात हुई नहीं, ये पक्ष हुआ है यूक्रेन के बारे में। और वहाँ पर सच्चाई यह है, ये अब सेंट्रल स्टेज पर आ गई ये बात कि भाई ये रशिया यूक्रेन वार है और इसमें एक प्रकार से विलियन जो है उसको रशिया को दिखाया गया है क्योंकि बातचीत जो है उसका मुद्दा सारा यूक्रेन की तरफ से था। तो जब कम्युनिकी की बात आई, जब डिक्लेरेशन की बात आई तो भारत ने ये का नज़रिया ये था कि कोई डिक्लेरेशन नहीं हो सकता जब तक दोनों पार्टियां उसमें शामिल ना हो। इसमें दोनों पार्टी हैं यूक्रेन और रूस, रूस इसका हिस्सा नहीं है और भारत चाहता है कि हर बात का समाधान निकले बातचीत से, डायलॉग और डिप्लोमेसी से। डायलॉग डिप्लोमेसी से जब ही निकल सकता जब दोनों साइड आपस में आमने सामने बैठेंगे, वो तो हो नहीं रहा। अब आप एब्सेंसिया है, रशिया के एब्सेंसिया में आप ये समिट और डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो उसमें भारत ने साइन नहीं किया और बहुत ही ठीक किया क्योंकि एक तरफा कोई भी आप कम्युनिक्यू या डिक्लेरेशन का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो इम्प्लीमेंट तो होगा नहीं, इम्प्लीमेंट करने के लिए दोनों साइडों को मानना पड़ेगा।